सर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर कौन कौन एमबीए कोर्स पढ़ाया जाता है, उसका कोर्स फीस क्या है, प्लेसमेंट प्रोसीजर क्या है, एंड दोज हु आर न्यू एंट्रांस, क्योंकि जो आप एंट्री करना चाहते हो थ्रू कैट 23, उसके लिए कैट परसेंटाइल मिनिमम कितना रहेगा, वर्क एक्स का क्या क्राइटेरिया है, एकेडमिक एक्सपीरियंस का क्या, अगर मतलब है 10th का मार्क्स, 12th का मार्क्स, ग्रेजुएशन का जरूरत होता है नहीं होता है, तो इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेल आइकन को दबाइए, तो ऐसा इन्फॉर्मेशन आपके पास आता रहेगा। बिकॉज इस चैनल में नया नया इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, क्योंकि कोई कोई आपको देता है, कोई कोई नहीं देता, लेकिन यहाँ पर आपको टोटल लिस्ट इन्फॉर्मेशन दिया जाता है विथ नंबर ऑफ सीट्स। सो दिस इज द थिंग मैं आपको बताता हूँ। तो क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स दिल्ली स्कूल, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत पुराना डिपार्टमेंट है, आज का डिपार्टमेंट है नहीं। वहाँ पर एमबीए पढ़ा जाता है, बीकॉम पढ़ा जाता है, एमकॉम पढ़ा जाता है, एंड अदर लॉट्स ऑफ कोर्सेस ऑफ देयर। सो एमबीए में कौन कौन कोर्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर देखिए एमबीए में पढ़ा जाता है आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एमबीए इन फाइनेंस। ओके, सो बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एमबीए इन फाइनेंस, इस कोर्स के लिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स कोर्स के लिए आपको हायर सेकेंडरी में मतलब क्लास 12 में आपको मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स में आपको अच्छा मार्क्स लाना चाहिए, तभी जाके क्योंकि एडमिशन हुआ, क्योंकि वहाँ पर आपको मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स में आपको सेपरेट आपको इसका जो क्राइटेरिया है उसको दिया जाता है, मतलब क्या ना आपको परसेंटेज रहेगा, तो परसेंटेज रहता है मार्क्स का, तो आप जाके कॉम्पोजिट स्कोर होता है, तो कैट का परसेंटेज, उसके बाद आपको मतलब स्केल स्कोर का परसेंटेज, 10th का मार्क्स का परसेंटेज, आपका 12th का मार्क्स का परसेंटेज, एंड मैथमेटिक्स का स्कोर का 12th में जो आप गेन कर चुके हो उसका परसेंटेज लेकर के आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाता है, उसको आपको बुलाया जाता है, आइदर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू नहीं होगा तो काउंसलिंग में बुलाया जाता है। सो तीनों कोर्स का एमबीए पढ़ाया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज इन एमबीए इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, एमबीए इन फाइनेंस, एंड इस साल से चालू हो गया एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स। तो इसका कोर्स फीस कितना है, तीनों का 2 साल का एमबीए है, उसका कोर्स फीस है आपको टोटल 48,000 एक साल का, एंड नेक्स्ट ईयर भी 48,000 देना पड़ेगा, तो टोटल 96,000 ऑलमोस्ट इज द कोर्स फी। प्लेसमेंट कैसा है, डेफिनेटली गुड, 100% प्लेसमेंट इज देयर। उसके बाद आप अगर नौकरी करना चाहते हो कोई फाइनेंशियल बैंकिंग में और इन्वेस्टमेंट बैंकर में, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आपको बहुत बड़ा हैवी चीज़ आपको नहीं मिलेगा, लेकिन छोटा मोटा इंडियन जो चीज़ है वो आपको बिल्कुल मिलेगा, तो दैट इज प्लेसमेंट प्रोसीजर इज गिव 100% प्लेसमेंट, एंड हाइस्ट पैकेज इज 30 लैक्स। ओके, एंड एवरेज पैकेज इज 18 लैक्स, 18 लाख है, एंड आपको लोएस्ट पैकेज जाता है 12 से 13 लाख का अंदर में, तो 12 से आपको रेंज करके 30 लाख तक आपका पैकेज का रेंज है। एंड देखिए आपको 48,000 में आप एमबीए कर रहा हो एक साल का, 2 साल का 96,000 में, उसमें आपको 30 लाख मिल रहा है, उसमें आपको 15 लाख या 18 लाख मिल रहा है, दैट इज़ हैवी एज बिकॉज आई थिंक विच इज आर ओ आई इज वेरी गुड, आर ओ आई इज वेरी हाई। सो दिस इज द बेसिक थिंग्स, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ इस जो स्कीम है ऐसे ही आपको चलता रहेगा, क्योंकि उन लोग मैनेज तो कर रहे हैं ना भाई एमबीए इन फाइनेंस। उसके बाद क्या होता है, कोई कोई आपको कंपनी में, हम लोग जब काम करते हैं ना वहाँ पर एमबीए इन फाइनेंस का जरूरत होता है, तो एमबीए इन फाइनेंस का जरूरत होने से क्या हुआ ना, आईआईएम में मिलना किसी किसी का बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि कैट परसेंटेज में अच्छा कोई मार्क्स नहीं आए, या 10th का मार्क्स खराब हो, 12th का मार्क्स खराब हो, उसमें क्या है ना एडमिशन नहीं होगा, तो इसमें दिल्ली स्कूल, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो आपको जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है वहाँ पर एमबीए इन फाइनेंस पढ़ा जाता है, तो वहाँ से आप एमबीए करोगे तो वो वाला कोर्स भी आपको हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा ना, प्राइवेट कंपनी में जहाँ आप काम करो वहाँ पर फिर से काम रिज्यूम कर सकते हो, एज बिकॉज आपको फाइनेंशियल एमबीए का जरूरत होती थी, तो अभी आपका हो गया। उसमें क्या होगा ना, आपका प्रमोशन भी होगा, आपको बहुत आगे जाके आप फास्ट भी आगे जाके बढ़ पाओगे। सो दिस इज द थिंग, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट गो एंड अहेड एंड एंजॉय द दिल्ली यूनिवर्सिटीज लाइफ, एज बिकॉज वहाँ पर FMS है ना, तो FMS का आपको जो प्लेसमेंट प्रोसीड्योर है, या आपको दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स रहेगा आपके साथ, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एक साथ होगा, तो उसमें क्या है ना प्लेसमेंट आपको बिल्कुल होगा ही होगा, 100% प्लेसमेंट है, बिकॉज होता है ना एक तो रिलेशन बन जाता है। सो दिस इज द थिंग। उसके बाद क्या होता है ना, बहुत सारा कंपनी का लिंक मिल जाता है, सो उसमें भी आपको फायदा होता है। सो दिस इज द थिंग, एंड वंस अगेन प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड सीट कितना है, सीट है टोटल 48 नंबर ऑफ सीट इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, इन एमबीए इन फाइनेंस, एंड एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स। ओके, सो वंस अगेन थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू द बेल आइकन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू गाइस, होप फॉर द बेस्ट, थैंक यू।